हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, बाय हॉकिंग्स बिल्कुल न्यू लॉन्च के अंदर जो आज प्रोडक्ट है वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं और उसके रिव्यू देने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, ये हॉकिंग्स का प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च है, जिसका प्रोडक्ट कोड है DCDO3G, जिसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए डायकास्ट डच ओवन 3 लीटर। इस तरीके से इसका आउटर बॉक्स है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफी सुंदर, काफी अट्रैक्टिव इसका कलर्ड बॉक्स है। जी हाँ, हॉकिंग्स के प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है वो अपने आप में ही काफी अच्छी होती है और जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी काफी अच्छी होती है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बॉक्स दिखाया है, अब मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी ने जो पैकिंग करी है, पैकिंग की मैं वाकई तारीफ करता हूँ, क्योंकि पैकिंग कंपनी काफी अच्छी करती है। सबसे पहले इस तरीके से हॉकिंग्स का स्पैचुला है, वुडन स्पैचुला है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी और काफी मेंटेन्ड है। उसी के साथ साथ एक ग्लास का लिड है, इस तरीके से ग्लास का बहुत सुंदर लिड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डच ओवन। वाओ, मतलब देखने में काफी स्मार्ट, काफी गुड लुकिंग ये डच ओवन है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कंपनी ने इसमें क्या क्या इसके साथ दिया और क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। इस बॉक्स को हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आपने इसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। कुछ रेसिपीज लिखी हुई है कि आप इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज बना सकते हैं, इसे हम यहाँ रख देते हैं। उसी के साथ साथ एक नायलॉन का स्क्रबर है जो कि कंपनी ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। नायलॉन का स्क्रबर इसलिए है ताकि इसकी कोटिंग कभी खराब ना हो, इसलिए कंपनी ने ये प्रोवाइड कराया है। इस तरीके से काफी सुंदर, काफी मतलब देखने में इसकी जो मोटाई है वो काफी अच्छी है और काफी लाइट वेटेड है। इवन नीचे से अगर मैं बात करूं, कंपनी ने डिजाइन रजिस्टर किया हुआ है, पेटेंट है हॉकिंग्स डायकास्ट डच ओवन 3 लीटर। इस तरीके से काफी सुंदर रेड कलर का इसका बाहर से जो बॉर्डर है वो है, अंदर से नॉनस्टिक कोटिंग है जो कि काफी सुंदर और देखने में काफी अच्छी लग रही है पर्सनली मुझे। अब मैं इसका ढक्कन लगा के आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से इसका ग्लास का देखो सी थ्रू लिड है। हॉकिंग्स फ्यूचरा का ये प्रोडक्ट है। डच ओवन अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू लॉन्च के अंदर है। तो इसकी खासियत क्या है अब मैं आपको वो बताता हूँ। इसके मल्टीपर्पज यूज हैं, जैसे कि आप इसे गैस पे यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। उसी के साथ साथ आप इसे ओवन में भी यूज कर सकते हैं और उसी के साथ साथ इतना सुंदर, इतना गुड लुकिंग है कि आप इसे सर्व में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो डच ओवन है कुक एंड सर्व है, आपने इसे कुक किया और इसी में ही आगे सर्व कर दिया। बिकॉज इसकी लुक्स देखिए आप, इस तरीके से काफी सुंदर और बहुत बढ़िया इसकी लुक्स है और क्वालिटी भी काफी सुपीरियर है। अब इसके जो बॉक्स में मेंशनड है मैं आपको वो बताता हूँ। कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कुक ऑन गैस, बेक इन ओवन, सर्व ऑन द टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों चीजें ही मेंशन करी हुई है कंपनी ने और जो कि इसके बारे में बहुत खास है। इसमें आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मशरूम सूप, कोफ्ता करी एंड मेनी मोर थिंग्स। आइडियल फॉर, जी हाँ, काफी सारी इसमें आप डिशेज बना सकते हैं, जिसमें से आइडियल कंपनी ने मेंशन किया हुआ है बिरयानी के लिए, तो ये स्पेशल है। जी हाँ, बिरयानी भी इसमें बना सकते हैं। सबसे मेन बात जो कि कंपनी ने मोटा मोटा मेंशन किया हुआ है, PFOA फ्री नॉनस्टिक कोटिंग। जी हाँ, PFOA फ्री नॉनस्टिक कोटिंग है जो कि अपने आप में ही काफी अच्छी होती है। PFOA के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, उसे ओपन करके आप डिटेल में जान सकते हैं। वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे क्या होता है PFOA और नॉनस्टिक कोटिंग में वो क्यों जरूरी भी है आपकी हेल्थ के लिए। इसी के साथ साथ कंपनी ने मेंशन किया, मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो काफी इकोनॉमिकल है। जी हाँ, जस्ट 2300। जी हाँ, जस्ट 2300 इसकी MRP है, जिसमें अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहां से आप लिंक ओपन करिए और वहां से परचेज करिए ताकि आप बहुत अच्छा हैवी डिस्काउंट अवेल कर सके। इस तरीके से ये आपका डच ओवन था जो कि बिल्कुल न्यू लॉन्च के अंदर है। मेन बात क्या होती है, हॉकिंग्स में बहुत से लोग ट्रेवल करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, जिसमें कि वो बाहर प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं बट हैवी होने के कारण नहीं ले जा पाते। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही लाइट वेटेड और काफी मतलब क्वालिटी में भी काफी अच्छा है। और मैं आपको इसका वेट भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना इसका वेट होने वाला है। तो अब मैं आपको इसका टोटल वेट बता देता हूँ, विदाउट लिड एंड विद लिड दोनों ही बता देता हूँ। अगर मैं विदाउट लिड की बात करूँ तो ये 1.306, जी हाँ, 1 किलो 300 ग्राम के अप्रोक्सी है, 1 किलो 300 ग्राम। और अगर मैं ढक्कन भी रख दूं तो ढक्कन के बाद इसका जो वेट हो जाता है
1 kg 835 grams, जी हाँ 1 kg 835 grams इसका वेट हो जाने वाला है। इस तरीके से काफी लाइट वेटेड, काफी सुंदर क्वालिटी के साथ है ये, जी हाँ पूरा का पूरा वर्सेटाइल है ये जो प्रोडक्ट है डच ओवन बाय हॉकिंस, पूरा वर्सेटाइल है। क्यों है? क्योंकि आप इसमें कुक कर सकते हैं, गैस पे कुक कर सकते हैं, ओवन में, उसी के साथ साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं गेस्ट के सामने या अपने रेगुलर यूज में भी आप इसे सर्विंग में यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये प्रोडक्ट है, जल्दी से आप इसे परचेज करिए और लुफ्त उठाइए हॉकिंस के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का। इसी के साथ साथ आप अगर किसी और चीज की रिव्यूइंग या अनबॉक्सिंग देखना चाहे तो मुझे कमेंट या मेल करके जरूर बताइए, ताकि वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर सकूं, उसकी भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।